पर जो होना है हालात है, अब क्या करें, जो मुल्की हालात है इसी तरह चलेंगे, महंगाई का यही आलम है, हम अब क्या कर सकते हैं, अब जो ज़रूरत है वो तो लेनी ही लेनी है। गुजारा किस तरह कर रहे हैं? अल्लाह ताला करवाता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह के काम है। मुझे बताएं कितना एक दिन में पेट्रोल आपको डलवाना पड़ता है? मेरा हफ्ते में मैं मोटरसाइकिल में 3-4 लीटर पेट्रोल डलवाता हूँ, फिर जाकर मेरा एक हफ्ता निकलता है। करते क्या? मैं नारकली में सेलमैन हूँ। सेल्समैन? हाँ जी। और शादीशुदा हैं? 4 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह। तो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं? 3 पढ़ते हैं मेरे बच्चे। किस तरह से फिर गुजारा करते हैं? अल्लाह करवाता है, एक बात है मेरा अल्लाह गुजारा करता है, मेरी कोई हिम्मत नहीं है, मेरा अल्लाह करवाता है। ऐसा कह रहे हैं कि 300 से भी ऊपर कीमतें चली जाएंगी, अब जो अल्लाह का मुझे क्या कर सकते हैं, अल्लाह ही करता है पूरी, हम नहीं कुछ कर सकते। हुक्मरानों का कोई ताल्लुक नहीं है? हुक्मरान को क्या कहें, सब एक ही जैसे हैं, चाहे इमरान हो या नवाज शरीफ हो, सब एक जैसे हैं, कोई अवाम के बारे में नहीं सोचता, सब अपने सीट के लिए लड़ते हैं, अवाम के लिए कोई नहीं लड़ता। तो फिर हमें खुद लड़ना चाहिए? अब अपने क्या करें, इन्होंने इतनी महंगाई कर दी कि हम सड़क पे कैसे निकलें, एक दिन भी निकल सकते हैं हम, अपने बच्चों को देखें क्या करें, डेली दूध लेके जाना होता है 210 रुपये का, मैं एक दिन भी बैठ जाऊँ अपने बच्चों का दूध कैसे लेके जाऊँगा, जाहिर सी बात है हमने हर चीज़ देखनी पड़ती है, पेट पूरा करें या सड़कों पर। हाँ जी यही बात है, लेकिन जब तक एहतजाज नहीं करेंगे इनको एहसास नहीं होगा, जो मर्जी कर लेने फिर भी एहसास नहीं होना, इनके ज़मीर मर चुके हुए हैं, इन्हें एहसास नहीं हो सकता। ये मुल्क रहने लायक है? रहने के लायक तो जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक ये रहने के लायक नहीं है। आपको मौका मिले आप चले जाएंगे? निकल जाऊंगा मैं, मिनट नहीं लगाऊंगा।